घर से मोबाइल और नकदी चोरी। बरेली। साजिद हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन ब्रह्मपुरा टायर मंडी थाना प्रेम नगर निवासी के घर में रात को पेड़ पर चढ़कर छत के रास्ते चोर घर में घुसा। सब लोग नीचे सो रहे थे। चोर ऊपर वाली मंजिल से एक मोबाइल 20,000 रुपए ले गया। साजिद हुसैन ने थाना प्रेम नगर में तहरीर दी है। साजिद हुसैन की बांस मंडी में सैनिटरी की दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरी। मैंने जी क्या हो गया, पूरा घटना बताइए। ये हमारे 2:30 बजे कमरा में चोर आके वो लेके गया है। क्या सामान? मोबाइल और पैसे कैश। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन हो सकता है चोरी के पीछे? अब तो यही देखा जाएगा, फोटेज निकाली जाएगी कौन लेके गया है। अच्छा, तो ये पहली बार हुआ है? हमारे चोर तो काफी बार आया है, लेके कुछ नहीं गया है। अच्छा, क्या पकड़ गया है? क्या नाम है इनका, जिनका मकान है? जिस शादी से क्या करते हैं? सैनिटरी की शॉप है। कहाँ पे भाई है? कहाँ पे? ये बासु मंडी में। अच्छा अच्छा, आपको किसी पर शक नहीं है? अभी हमारे भाई बताएंगे। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? प्रेम नगर। पुलिस आई थी जी? दो बार आ चुकी पुलिस। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। बरेली के थाना देवरनिया के गांव कल्याणपुर राठखेरा निवासी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। बहेड़ी से काम करके वापस घर जा रहा था। रास्ते में रिछा जहानाबाद रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर में मृत घोषित कर दिया। शांति पाल, ग्राम प्रधान राठ। क्या हुआ था? ये अपने घर से गए थे, शादी वाले कार्ड प्रेस पे काम करते थे बहेड़ी। बहेड़ी से रात्रि में चलने के बाद करीब 8:45 बजे रिक्शा सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया इनका। अब ये पता नहीं है किससे हुआ, इस अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट करके काम वाहन तो भाग गया। पुलिस ये बाइक से थे। इसके बाद में पुलिस ने सूचना दी, हम लोग आए, वो बोले हमने नवोदय हॉस्पिटल भेज दिया है। दोबारा फिर हॉस्पिटल से फ़ोन गया मेरे पे, उन्हें कहा आप डिस्ट्रिक्ट जाइए और आपका भाई मृतक हो गया। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट आए, जानकारी ली, देखा, तब से यहीं पर हैं। क्या पोजीशन मिली आपको? पोजीशन के सीने में चोट है, कपड़े फटे हुए हैं, शर्ट और बनियान फटी हुई है जी। जिंदा नहीं, मृतक। आपको जिंदा मिले थे? नहीं, मृतक मिली थी। पुलिस ने क्या बताया, घटनास्थल पर मौत हो गई थी या रास्ते? नहीं, रास्ते में हुई है, पुलिस ने बताया जी। शादी नहीं हुई है, 22-23 साल की उम्र है। बिथरी में दो हत्याओं से हड़कंप। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बिथरी थाना क्षेत्र में दो अलग अलग जगहों पर हत्या के मामले प्रकाश में आए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली का बिथरी थाना क्षेत्र में पुलिस की परेशानियां तब बढ़ गई जब 3 घंटों के अंतराल में अलग अलग जगहों पर दो लोगों की हत्याओं के मामले सामने आए। दरअसल पहला मामला बिथरी के गाँव अहियापुर के रहने वाले किसान विजनेश की हत्या का है। बिजनेश अपने भाई रजनेश के साथ सुबह करीब 10 बजे के गेहूं की बिक्री के फरीदपुर के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। इसी दौरान रसोया गांव के पास पहले से घात लगाए हुए दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाशों ने बिजनेश के ट्रैक्टर को रोक लिया और दो भाइयों से मारपीट करने के साथ बिजनेश के पीठ पर गोली मार दी। इस घटना में बिजनेश की मौत हो गई। वही इस घटना में रजनेश किसी तरह बच निकला। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कई थानों का फोर्स भी पहुंच गया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बिथरी में आज दो मर्डर की सूचना थी। पहले मर्डर में मौके पे पहुंचे थे तो वो एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, उसको चाकू से बार करके उसकी हत्या की गई है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। उसकी शनाख्त की जा रही है, आसपास में भी पता किया जा रहा है और जो भी 48 घंटों में यहाँ गुमशुदगी है हुई है बरेली में, उससे उसका मिलान किया जा रहा है। दूसरा मर्डर आज 10 बजे करीब रसैया गोडाउन के पास में हुआ है। बिजनेश और रजनेश नाम के दो व्यक्ति गेहूं लेके ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे तो दो मोटरसाइकिल पे 6 लोगों ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया, फायर किया और चाकू और बाके से उन पर मर्डर का प्रयास किया, जिसमें बिजनेस नाम के व्यक्ति की काफ़ी चोट आई और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई। इनमें आपस में रंजिश पुरानी चली आ रही है। 2011 में भी एक मर्डर हुआ है, इसी के परपेक्स में ये मर्डर होना प्रतीत होता है। अभी उसके प्रयास हो रहे हैं, टीम लगी हुई है, SOG टीम लगी हुई है, थाने की दो टीमें लगी हुई हैं, अन्य थाने का भी फोर्स
इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। जो दूसरा भाई साथ में था उसके भी कोई चोटें आई हैं? नहीं, उसके चोट नहीं आई है, वो मौका देख के भागा है। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग खेत में भी काम कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी और वहाँ भी थे, उस वजह से उसका बचाव हो गया है और वो उसको कोई चोट नहीं आई। क्या लगता है सर, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इस तरीके से काम को रहता है लगी आज जब ग्रामीण इलाकों में कहें तो इस तरीके की घटनाएं डेली हो रही है? नहीं, इसमें तो जो बात प्रकाश में आ रही है वो पुरानी रंजिश है, पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है। इसमें कहीं मुकदमे में गवाही में चल रहा था और समझौता का प्रयास हो सकता है दोनों पक्षों में हो रहा हो, उसी के मद्देनज़र ये मर्डर हुआ है। और एक मर्डर जो गुमशुदा मुझे लगता है कि वो अज्ञात है, उसमें अभी हम लोग उसकी शिनाख्त करेंगे तब उसमें आगे कार्रवाई होगी। बच्चे की हत्या, तालाब में तैरती मिली बच्चे की लाश। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बरसेर सिकंदपुर में चुनावी रंजिश में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनी वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन 6 वर्षीय बच्चा खेलते समय घर से लापता हो गया। इसके बाद परिवार के लोगों ने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन पता नहीं चल सका। सुबह किसी शख्स ने परिजनों को सूचना दी, उनके घर के बच्चे का शव तालाब में पड़ा हुआ है। परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चे का शव देखकर वह दंग रह गए। बरसेर से आए हैं और घटना यहीं से शुरू हुई है। हमारे भाई चुनाव लड़े थे, उस वजह से रंजिश की वजह से हमारा भाई का मर्डर भी कर दिया गया, फिर हमारा भतीजा की भी मर्डर कर दिया, एक बार हमारे बच्चों को भी पकड़ लिया गया था तो देख लिया लोगों ने, तो फिर बाद में पकड़ के वो छोड़ दिया गया था। फिर बाद में हमने पुलिस को तहरीर भी दी, उस बात पर गौर नहीं किया पुलिस ने। पुलिस ने कहा आप ऐसे ही पकड़े हो, एक बार भेज दिए तो आप झूठ बोल रहे हो, बार बार मारेंगे, उन्होंने पुलिस ने ये कहा था। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही है? जी, आज क्या हुआ, आज की घटना क्या है? आज हमारे भतीजे को पकड़ के ले गए, बच्चों ने बताया था कि ऐसे वो ले गए, जो हरिशंकर हैं उनके साले हुए, हमारे घर के पास में घर है, उनके द्वारा पकड़वा के फिर उसका मर्डर किया। कैसे मारा है? उसकी जीभ भी काट ली, पोते भी काट दिए, सिर पे भी चोट है और मुंह पे भी चोटें हैं और शरीर पे भी हैं। मौजूदा प्रधान है, कौन है जो पहले वो थे? वो उनकी पत्नी मौजूदा प्रधान है, उदेश। किन्होंने मारा? उनकी पत्नी प्रधान है, उनकी सलाह से मरवाया गया है। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।